बैन हटने के बाद आजम खान का प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने कहा कि ने कहा था कि बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप शुरू से ही कह रहे हैं कि रामपुर डीएम एसपी अगर मंडी समिति के करीब से भी गुजरते हैं उनकी गाड़ियों की तलाशी होना चाहिए। पुलिस की गाड़ियों में हैकिंग मशीन आने की सूचना है, किसी किस्म का डिवाइस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं कितने वोटों से जीत रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कम से कम 2 लाख वोट मेरे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बर्बरता की वजह से मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ और कहर तोड़ा गया है, उसकी बिना पर मेरा तकरीबन 2 लाख वोट खराब हुआ है जो नहीं पड़ सका है। इसके बावजूद भी पूरा देश जानता है कि मैं कितने वोटों से जीत रहा हूँ। तो सारी जिम्मेदारी सरकार पर और जिला इंतजामिया में विशेष रूप से डीएमआरएसपी पर होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डीएमआरएसपी को मंडी समिति के करीब से भी गुजरे तो उनकी तलाशी होगी।